है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में आप काइन मास्टर से सिनेमैटिक टाइप का जो वीडियो कैसे सेट करेंगे, और आज इस वीडियो इसी के ऊपर है। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके यहाँ पे ऑल ऑप्शन में कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों सबसे पहले आप काइन मास्टर ओपन करिए। काइन मास्टर ओपन करने के बाद और यहाँ पर आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ 16:9 रेशियो में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको मीडिया ऑप्शन में जाना है। फिर इसके बाद आप कोई फ़ोन के अंदर कोई शूट करके रखे होंगे कोई वीडियो या फोटो वगैरह जो भी, मैं बस आपको आइडिया देने के लिए फ़ोटो ही ले लेता हूँ लेयर इसमें मीडिया में, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोटो जो बैकग्राउंड में हिल रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, फ़ोटो को यहाँ पे ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाके फ़ोटो को एक जगह फिक्स कर देंगे। जैसे ये इंडिया है तो ये वाला फिक्स यहाँ पे प्लस बटन इक्वल टू पे क्लिक करते ही उतना ही एंड तक दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, एक नया अपडेट आया है काइन मास्टर में, आप उसको पहले उसको अपने फ़ोन के अंदर सेव करना है। अगर फ़ोन के अंदर इंटरनेट है तो या आप वाईफाई यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर वाला ऑप्शन है ठीक है यहाँ पे, तो इस पर जाना है। जैसे इस पर जाएंगे तो काइन मास्टर एसेट स्टोर एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो हैट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सॉरी बैक कर देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हैट वाला ऑप्शन, तो इस पर जाइए। इस पर जाने के बाद आपको एनिमेशन वाला सबसे पहले जाना है। इसके बाद देखिए कि सिनेमैटिक फ्रेम ऑप्शन आ रखा है, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा हो तो इसको इंस्टॉल कर लेना, फिर बैक करके आ जाना। यहाँ पे आपको लेयर में जाना है और ओवरले के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे देखिए सिनेमैटिक ओपनिंग ऑप्शन दे रखा है, तो इस पर चले जाना है। यहाँ पर आपको लेना है राइट साइड का ये वाला जो ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि नीचे यहाँ से काउंटिंग करेंगे फोर्थ वाला क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, जहाँ तक आपका वीडियो या फोटो है तो वहाँ तक क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए इसके स्टार्टिंग में देखिए, ठीक है, ये शटर जैसा ओपन होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त होता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ देखिए, वाह, अक्सर ये इस टाइप का जो सेटअप है आप कई अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर को देखते होंगे कि आपने ब्लॉगिंग में ये यूज करते होंगे तो इस टाइप का, तो आपको काइन मास्टर के अंदर ये फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। इस टाइप का आप सेटअप करके आप अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे देखिए। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऊपर नीचे का जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा और बड़ा करें, यानी कि ज़्यादा मोटा हो गया है, थोड़ा इसको पतला करने के लिए इसको यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दोनों हाथ से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद क्या है वो ऊपर नीचे होगा, तो अपने हिसाब से जितना चाहिए वो आप सेटअप कर सकते हो। ज़्यादा रखोगे तो रखो, अदरवाइज आप इसको सेट कर सकते हो। पहले हमें थोड़ा दिक्कत होता था सिनेमैटिक सेटअप करने के लिए, अब जो ये ओवरले ऑप्शन आ गया है स्टिकर का तो आप ये फ्रेम लगा के यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं प्ले कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए, वाह, ठीक है, ये थोड़ा बॉर्डर जो है वो छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा था। मूवी वगैरह में आप देखते होंगे काफ़ी बड़ा रहता है मूवी या सॉन्ग्स वगैरह में, क्योंकि वो जो शूट होता है तो दूर बहुत दूर रहता है, उनका कंटेंट दूर रहता है और दूर से वो शूट करते हैं। अगर आप मोबाइल से एडिट करते हो या मोबाइल से शूट करते हो तो आप थोड़ा सा कम करके दोगे बॉर्डर, तब तो आपका फ्रेम सही आएगा। तो यही था आज का वीडियो, ये सेटअप करके आप यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। और बस यही था आज का सेटअप काइन मास्टर में, आप सिनेमैटिक का सबसे बेस्ट वे में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे शटर वाला। तो बस मिलते हैं नई वीडियो साथ। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना। दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नहीं, ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बेटे, क्या रन बंदे माता।